हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी है मफिन्स, बहुत ही टेस्टी मफिन्स जिसको मैंने बनाया है वीट फ्लोर। जी हाँ, गेहूं के आटे से मैंने ये मफिन्स बनाकर तैयार की है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं इस मफिन्स को। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर लिया है 80 ग्राम और ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर है। अगर आप मफिन्स या केक कुछ भी बनाते हैं तो सारा चीज़ आप रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ही यूज़ करें। और रिफाइंड ऑयल यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच, जिससे जो मफिन्स रहेगा वो बिल्कुल मॉइस्ट रहेगा, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होगा। तो हम पहले इसे अच्छे से बीट कर लेंगे ऑयल और बटर को। यहाँ पर मैंने ले लिया है कैस्टर शुगर 160 ग्राम, और ये कैस्टर शुगर जो है ना, वो जब हम अवन में इसे डालते हैं तो वो धीरे धीरे कैरामलाइज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैस्टर शुगर का यूज़ किया है। अगर आपको ना मिले तो आप चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अच्छे से इसे बीट कर लेंगे बटर के साथ। यहाँ पे अब हम डाल देंगे इसमें दही। दही खट्टा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, और ऐसे ही दही आप यूज़ करें जब भी मफिन्स वगैरह बनाएं। तो अब हम इसे अच्छे से डालकर बटर के साथ बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे, ताकि बिल्कुल ये फ्लफ़ी हो जाए। और अब डाल देते हैं इसमें वनीला एसेंस 1 चम्मच। ये वनीला एसेंस आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें तो आपकी जो मफिन्स है या केक है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो हमने इसको भी अच्छे से मिला लिया है। और अब एक छन्नी रख लिया है बोल पे, उसमें डाल देंगे 250 ग्राम गेहूँ का आटा। और यहाँ पर मैंने गेहूँ के आटे से ही आज मफिन्स बनाया है, जो काफ़ी हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। और एक बैटर से मैं यहाँ पे 4 तरह के मफिन्स आपको बनाकर बताऊंगी। और बेकिंग पाउडर लिया है यहाँ पे 1 चम्मच, ये देखिए 1 चम्मच का मैंने मेज़रमेंट लिया है। और साथ में डाल देते हैं 1 चम्मच जितना ही बेकिंग सोडा। सबको हम अच्छे से छान लेंगे, और बहुत ही अच्छे से छानना है ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है या जो भी गांठ है, गुठली है, वो सब निकल जाए। और हम इसको छानकर डाल देते हैं। तो देखिए, अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, तो इसके लिए हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूध हम उतना ही डालेंगे जितना हमें ज़रूरत पड़े, और इसको धीरे धीरे करके हम इस तरीके से मिलाते जाएंगे और दूध डालते जाएंगे, ताकि इसका एक बढ़िया सा बैटर बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर ली हूँ। और इसी बैटर से हम 4 तरह के मफिन्स आज बनाने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए ये मफिन्स के मोल्ड ले लिए, और उसके ऊपर ये मफिन्स के जो मोल्ड के पेपर के बने आते हैं मोल्ड, उसको रख लिया है ताकि निकालने के समय ईजी हो। मैंने नीचे इसमें चोको चिप्स डाल दिया है, और चोको चिप्स डालकर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि आप जब खाएँ तो आपके बाइट में भी चोको चिप्स आएँ। और इसको इस तरह से टैप कर लेना है ताकि नीचे जो भी एयर पॉकेट वगैरह है वो निकल जाए, और जो ऊपर का सरफेस है बिल्कुल फ्लैट हो जाए। तो ये देखिए, मैंने ऊपर से भी चोको चिप्स डाल दिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी मफिन्स बनने वाला है। अब यहाँ पे मैं दूसरे तरह के मफिन्स बनाने वाली हूँ, मतलब दूसरे फ्लेवर के। तो मैंने कोको पाउडर ले लिया है 1 चम्मच, और बाद में भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल देंगे, मतलब 3-4 चम्मच के बराबर मैं इसमें बैटर डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोको पाउडर के साथ। थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, क्योंकि कोको पाउडर के डालने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कोको पाउडर और डाला है, थोड़ा सा दूध डाला है, और अच्छे से सबको हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा बैटर है एकदम स्मूथ बने। और अब ये देखिए, चॉकलेटी फ्लेवर का हमारा मफिन्स मैंने डाल दिया है मफिन्स मोल्ड में। थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए हैं ताकि ये और भी ज़्यादा यम्मी और टेस्टी हो जाए। तो इस तरह से करके हम दोनों मफिन्स के मोल्ड में बैटर को फिल कर देंगे। और ये देखिए, हमारे दूसरे फ्लेवर का मफिन्स बनकर तैयार है। अब तीसरे फ्लेवर के मफिन्स हम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैटर ले लिया है मोल्ड में, और उसके ऊपर हम ये जो हमने कोको पाउडर से चॉकलेटी फ्लेवर के बैटर बनाए थे, उससे हम इस तरीके से राउंड राउंड कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना देंगे। तो ये जो हमारा है ना, वनीला और चॉकलेट फ्लेवर का मफिन्स बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब कि इसमें आपको वनीला का भी फ्लेवर आएगा और चॉकलेट का भी फ्लेवर आएगा। तो ड्यूट फ्लेवर का ये मफिन्स बनकर तैयार होने वाला है। और अब मैं आती हूँ चौथे फ्लेवर पे। तो इसके लिए हमने लिया है डाइजेस्टिव बिस्किट। आप इस चाहें तो कोई भी अपने पसंद का बिस्किट ले सकते हैं। उसको इस तरीके से हमें तोड़ लेना है एक कटोरी में रखकर,
और अब हम इसमें बैटर डाल देंगे। बैटर डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारा बिस्किट है और बैटर है दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अलग तरह का फ्लेवर मिले हमें खाने को। तो आप चाहे तो एक बैटर में बहुत सारे तरह के फ्लेवर बना सकते हैं, चाहे तो आप मावा कपकेक बना लें, चाहे तो आप इसमें कस्टर्ड कपकेक बना लें। और मैंने देखी नीचे भी मोल्ड में बिस्किट को तोड़कर डाल दिया है, उसके बाद ऊपर से इस बैटर को हम फिल कर देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर भी ये बिस्किट को तोड़कर इस तरीके से डाल देंगे ताकि जब हम खाएं तो इसका बाइट आए और बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगे खाने में। तो ये देखिए चार तरह के यहाँ पे मैंने चार फ्लेवर के ये मफिन्स को बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे अब हम ओवन में डालने वाले हैं। तो मैंने बेकिंग ट्रे पे रख लिया है और इसे 180 डिग्री पे पहले हम ओवन को प्रीहीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 18 से 20 मिनट तक पकाने वाले हैं जब तक ये अच्छे से पक ना जाए, बेक ना हो जाए। और यहाँ देखिए 20 मिनट लगा मुझे इस कपकेक को बेक करने में और बहुत ही बढ़िया यम्मी ये कपकेक बनकर तैयार हो चुका है। तो आप चाहें अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर के बना सकते हैं, किसी भी फ्लेवर के। बस एक बैटर आप बना लो और उसमें तरह तरह के आप एसेंस डाल लो या फ्लेवर डाल लो और तरह तरह के मफिन्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है ये मफिन्स बनाना, आपके बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देर किस बात की, आप भी अपने घर में इस मफिन्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक मफिन्स कि ये कितना ही अम्मी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए ये जो हमने बिस्किट से बनाए थे मफिन्स ये हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और ये है वनीला चोको चिप्स मिक्स फ्लेवर, ये देखिए पूरा अंदर तक भरा हुआ है इसमें चोको चिप्स, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए हैं मफिन्स। तो आप भी अपने घर में इसे आसानी से बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें इस मफिन्स को। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।